फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मात्र दो तीन दिन पहले मैंने आप सभी के लिए जुलाई महीने के पोषाहार THR राशि आवंटन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि कहीं ना कहीं इस बार भी जो है ठीक जून महीने के जैसे ही थोड़ा सा लेट हो सकता है पोषाहार THR की राशि में। क्या कारण है इसके लिए ICDS की ओर से लेटर जरूर जारी होगा। फाइनली कल 25 जुलाई के डेट में लेटर जारी हो चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार ICDS पटना की ओर से लेटर जारी करके पूरे बिहार के हर एक परियोजना के CDPO को आंगनवाड़ी विकास समिति के खाते में जो है THR का पैसा जो जुलाई के लिए है वो भेजने का आदेश दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि पैसा कब तक आएगा। देखिए, ठीक इस बार भी जो है जून महीने के जैसे ही जो इस बार थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि आज जुलाई का 26 तारीख है, कैसे भी बैंक प्रोसीजर करते करते दो तीन दिन लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 29 जुलाई को वितरण होने का चांस कम ही है। अगर आपको 1-2 दिनों में पैसा मिल जाता तो वितरण जरूर होगा। फाइनली 194 करोड़ रुपए का जो हिसाब है, चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा। तो फाइनली पूरे बिहार की सेविका सहायिका ICDS कर्मचारी इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस बार भी जुलाई महीने का THR का पैसा काफ़ी लेट से मिलेगा या कब तक मिलेगा। इस वीडियो में आपको ICDS का एक ऑफिशियल लेटर दिखाई दे रहा है जो बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग पटना से जारी किया गया, महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को शुरुआत में मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहें। साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि आखिर पोषाहार के पैसे के लिए आप लोगों को खुद को चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। विभाग का मामला होता है, विभाग समय पर आपको पैसा जरूर प्रोवाइड कराएगा। देखिए, संचिका संख्या इस लेटर का जो है वो 4329 है और यहाँ पर इस लेटर को जारी करने वाली हैं ज्वाइंट डायरेक्टर ICDS डायरेक्टोरेट पटना रीना कुमारी, इनका नाम है, संयुक्त निदेशक है ICDS निदेशालय की। यहाँ पर देखिए, पटना से पूरे बिहार के CDPO को, तो सभी CDPO लोगों को लेटर जारी करने का सीधा मतलब ये है कि हर एक परियोजना में, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर जुलाई महीने के THR के अमाउंट के संबंध में निर्देश दिया गया है। लेटर का डेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 25 जुलाई को पटना से जारी किया गया है। पत्र का विषय यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जो अभी चल रहा है उसमें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश मद की राशि से माह जुलाई 2024 में पूरक पोषण संचालन हेतु लगभग 194 करोड़ रुपये राशि का PFMS में सीमा या लिमिट निर्धारित करने के संबंध में, यानी पूरे बिहार के हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलाकर के जुलाई 2024 में 194 करोड़ रुपए की राशि जो है जुलाई THR में खर्च होगी। लिखा गया, महाशय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम केंद्रांश मंच की राशि जुलाई 2024 में पूरक पोषण संचालन हेतु सभी CDPO को संलग्न विवरणी के अनुसार 194,49,132 रुपये मात्र की PFMS की सीमा जो है निर्धारित की जाती है। दूसरा निर्देश यह है कि माह जुलाई 2024 में पूरक पोषण संचालन हेतु PFMS से राशि की सीमा जो है, लिमिट जो है, वह केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश सामान्य यातना PFMS कोड इतना कोष पर पोषाहार में सम्मिलित है, यानी कि केंद्र सरकार की जो पैसे दी गई है खर्च के लिए उस राशि से इसमें खर्च किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, निर्देश लिखा गया, राशि का विवरण ICDS निदेशालय से पूर्व से प्रसिद्ध भारत सरकार के पत्र संख्या इतना डेट इतना एवं समय समय पर पोषाहार शाखा से निर्गत पत्र के आलोक में की जाएगी। उपलब्ध कराई जा रही लिमिट की राशि किसी भी स्थिति में परियोजना में संधारित बैंक खाता में स्थानांतरित नहीं की जाएगी, सीधे सेविकाओं के अकाउंट में, यानी बाल विकास जो ये पोषाहार आंगनबाड़ी विकास समिति का होता है उसके अकाउंट में जाएगी। लिखा गया है कि लिमिट के माध्यम से जो है उसका खर्च करना सुनिश्चित करेंगे, लिमिट राशि से अधिक का खर्च नहीं किया जा सकेगा। पांचवा जो निर्देश है, पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियरली मेंशन है कि सभी CDPO को जुलाई 2024 में पूरक पोषण मद में लिमिट दी जा रही है। सभी CDPO की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि अपने परियोजना अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण में दी गई लिमिट की राशि अविलंब उपलब्ध करा दें एवं पूरक पोषण निर्बाध रूप से पारित कर जो है संचालित जो है वो सुनिश्चित करें। लिखा गया है कि ससमय जो है व्यय सुनिश्चित किया जाए अथवा PFMS की उपलब्ध राशि एक अंतराल के बाद पुनः ICDS निदेशालय के पेरेंट अकाउंट में वापस हो।
हो जाएगी। राशि की वापसी के कारण लाभार्थी योजना से लाभ से वंचित रहेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी यानी CDPO की होगी। यहाँ पर रीना कुमारी जो ज्वाइंट डायरेक्टर है ICDS पटना की, उनका सिग्नेचर और 25 जुलाई का डेट देखने को मिल जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख लिया कि निर्देश क्लियरली हर एक CDPO को कि पैसा आवंटन के अनुरूप हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पोषाहार के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। उम्मीद करूंगा कि 3-4-5 दिनों में आपको सभी जगह पैसा मिल जाएगा और THR का भी वितरण कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।